उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किशोरी से रेप के मामले में दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पॉस्को कोर्ट बीना नारायण ने फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल दो साल पहले बच्ची की रेप के बाद आरोपियों ने हत्या कर दी थी और विरोध करने पर आरोपियों ने बच्ची के भाई का भी गला काट दिया था। ये दोनों आरोपी मृतका के घर में नौकरी करते थे जिन्होंने रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। ये बीना नारायण जी माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम जो है उनके द्वारा आज ये सजा दी गई है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त अंकुर तेली व दूसरा अभियुक्त है सोनूर पौवा इन्हें फांसी की सजा दी गई है तथा फांसी की सजा हाईकोर्ट के द्वारा कंफर्मेशन के बाद उसका निष्पादन किया जाएगा। जालौन में बीमार मां को अस्पताल देखने जा रही नाबालिग के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। थाना कोतवाली पुरई में कल एक शख्स द्वारा तहरीर दी गई है थाने पे कि 14-15 की रात्रि को उसकी पत्नी बीमार थी। वो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया था। उसकी बेटी हॉस्पिटल में उनके पीछे पीछे गई। रास्ते में दो लड़कों ने रोक के उसके साथ में बलात्कार की घटना की। इस पर FIR दर्ज कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जिन अभियुक्तों को लड़की ने बताया है उन अभियुक्तों को दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जालौन के कालपी कोतवाली में रात के सन्नाटे का फायदा उठाकर चोर ने एक दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। तहरीर पर फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट चुकी है। वहीं दुकानदार के मुताबिक लगभग 10,000 रुपए की नकदी गायब होने की बात सामने आई है। फतेहपुर के खागा कोतवाली पुलिस ने बीती रात को मुखबिर की सूचना पर छापा मारते हुए जंगल में संचालित असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को रंगे हाथ असला बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। पुलिस टीम ने मौके से 3 देशी तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। जंगल में एक असलाह बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति अखलाक नामटा है जिसके वरखिलाफ 5 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इसको गैंगस्टर में जेल भेजा गया था। इसका दूसरा साथी जो मौके से फरार है उसके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। ये जेल से छूटने के बाद पुनः आकर के असलाह बनाने का काम शुरू कर दिए थे। मौके से 3 निर्मित तमंचा और 2 अर्धनिर्मित तमंचा बरामद हुआ है। एक कारतूस 315 बोर का, दूसरा जो है 12 बोर का बरामद हुआ है और असलाह बनाने के ढेर सारे उपकरण साथ साथ बरामद हुए हैं। इनको जेल भेजा जा रहा है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुनः कार्रवाई की जाएगी जिससे कि दोबारा इस तरह के अपराध में संलिप्त न हो सके।